नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आए दिन देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बखूबी काम कर रही है, और देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी विपक्ष पार्टी और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम नहीं कर रहे और मोदी मीडिया मतलब गोदी मीडिया, आजकल ये नारा उन्होंने दे रखा है। और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। देखा जाए दिल्ली में इस वक्त लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें दिल्ली में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी लेके गई है, और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोबारा मुझे मौका दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने वादे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने किए थे अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो। 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करते हैं और बसेस फ्री कर देते हैं डीटीसी की, सीसीटीवी कैमरे जितने लगने थे नहीं लगे, दिल्ली को वाईफाई मुक्त करने की बात करी थी, वाईफाई कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सदस्य, बहुत ही अहम सदस्य और कार्यकर्ता, और भारतीय किसान मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर अजय पाठक जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करते हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, आखिर ऐसा क्यों? अजय जी बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका भी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले अजय जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी झूठे वादे करते हैं, जो वादे उन्होंने किए वो आज तक तो पूरे हो नहीं सके, और दूसरी बात वो कहते हैं मुझे कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने देता, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, एक मुख्यमंत्री एक कुर्सी पे होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक्चुअली उनकी पूरी राजनीति ही, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीति ही झूठ पे टिकी हुई है। उनकी आदत ही लोगों को धोखा देने से स्टार्ट हुई है। आप उनका पॉलिटिकल करियर देखिए शुरू से, तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया, उसके बाद उन्होंने योगेंद्र यादव को धोखा दिया, जिन लोगों ने पार्टी बनाई एक एक करके कुमार विश्वास तक को उन्होंने धोखा दिया, और पूरी पार्टी को एक तरह से अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। जिस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद कुछ बचा नहीं, उन्होंने दिल्ली के लिए पिछले 4-4.5 सालों में कुछ किया नहीं। किया क्या? सिर्फ मोदी के नाम का जप। पिछले 5 साल वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम का जप करते रहे। रोज के उनके बहाने रहते हैं, कभी एलजी नहीं काम करने देता, कभी मोदी जी नहीं काम करने देते, कभी राजनाथ जी नहीं काम करने देते, कभी मनोज तिवारी नहीं काम करने देते। उनका डेली का बीजेपी के लोगों का जपना है। और अब जब चुनाव नजदीक आए, पब्लिक उनसे सवाल पूछेगी कि आपने जो हमसे वादे किए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, वाईफाई को लेकर के, आपने वो सब चीज़ें किए नहीं। तो उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया कि डीटीसी बसों में महिला कमांडो लगा दिया। अब वो उनकी उमर जो लगाया है उन्होंने, वो कब तक रहेगी? जब तक चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जैसे चुनाव खत्म होंगे ये सारी चीजें, अभी जो उन्होंने 4.5 साल नहीं किया और चुनाव के समय किया है, तो आप ये 100% जानिए कि आफ्टर चुनाव ये सब चीजें खत्म हो जाने वाली। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, लेकिन अभी प्रियंका के जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट मीडिया पर नहीं आया। नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी की आदत है, वो सेलेक्टेड लोगों के ऊपर बोलते हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल जी का, या मैं इस बारे में पढ़ना नहीं चाहता था, आपने प्रश्न पूछा तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता इसी तरह की है, वो इसी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो उसी चश्मे से देखने के आदि हैं। अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस देश में अगर सभी पॉलिटिशियन एक मत होकर के इस पे खड़े हों, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियन को दोष देने से चीज़ें हल नहीं होंगी, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। ये समाज की बहुत बड़ी विभत्सना है, हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। जो एक कहावत हमारे यहाँ है कि समाज, पहले आदमी जो है वो जानवर था, लेकिन पहले जानवर रहा होगा वो तो हम और आपने आप देखे नहीं है, लेकिन समाज में लोग आज भी जानवर हैं। ये ऐसी घटनाओं से ये पता चलता है कि जानवर आज भी हमारे आपके बीच में मौजूद हैं।
भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह अजय भाई साहब ने भी बताया, क्या लगता है कि ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ, और दो महीने पहले महिलाओं के लिए बस फ्री, CCTV कैमरे लगने शुरू हो गए, गली गली में दिल्ली सरकार के विधायक जिनके ऊपर ना जाने कितने आरोप हैं, उनके विधायकों के ऊपर गली गली में जाके सीवर लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या ये दो महीने पहले ही उनको आंखें खुली? ये तो उनकी हॉबी है केजरीवाल जी की, और वो ऐसा बहुत पहले से करते हुए आए हैं। जब भी उनसे कोई काम नहीं हो पाता है तो वो कभी MCD को देते हैं, टिकरा फोड़ते हैं, कभी किसी के ऊपर फोड़ते हैं, कभी किसी राजनीतिक दल के ऊपर फोड़ते हैं। वो उनकी हॉबी में हॉबी के अंदर है। केजरीवाल जी कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सके अपने दिल्ली के लिए, और अब जब उनको चुनाव नज़दीक आया है तो वो बताना दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, और उन्होंने बसें फ्री कर दी जिससे कि दिल्ली सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसकी जिम्मेवारी वो लेने से कतराएंगे, और उनको पता है कि वो अगली बार नहीं आ रहे हैं तो जो भी सरकार आएगी वो उसके ऊपर नुकसान की भरपाई करेगी अपने तरीके से। उन्होंने कोई CCTV कैमरा कहीं नहीं लगवाया, कोई भी काम दिल्ली के लिए ढंग से नहीं किया, और अब उनको पता चल रहा है कि मैं नहीं आने वाला हूं, तो वो ये सब दिखाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए अपनी चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं। अच्छा अजय जी, एक बात रह गई, बहुत बड़ा सवाल है, आप उसका बेटर जवाब दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत से वादे किए थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती पे मैं आराम से रुकूंगा एक आम आदमी की तरह, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। लेकिन ये सब हुआ नहीं। मैं आपको पहले ही बताया ना, अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को धोखा दिया, जिनकी वजह से आगे बढ़े, तो पब्लिक को क्या जानते हैं, उनका नाम आम आदमी है, और आम आदमी के, जैसे बोलते हैं ना, आम आदमी के पेट पे लात रख करके वो ऊपर चढ़े हैं, और वो कभी आम आदमी थे ही नहीं। आम आदमी का उनका सिर्फ दिखावा था कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी के लिए काम करूँगा। उन्होंने कभी आम आदमी के लिए कोई काम नहीं किया ना। पहले दिन अपनी गाड़ी से गए, आज वो गाड़ी ढूंढ लो जो वैगनार थी नीले कलर की, आपको मिलेगी नहीं। आज उनका कॉन्वॉय चलता है तो आप देखिए ना, 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है। मैं घर नहीं लूंगा, आज देखिए 20,000 स्क्वायर फीट का 2-2 बंगले ले रखे हैं। मैं पार्टी दफ्तर नहीं लूंगा, आप देखिए उनका पार्टी दफ्तर। मैं आम लोगों से रोज मिलूंगा। पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक जनता दरबार हुआ, उसको भी अरविंद केजरीवाल छोड़ करके भाग गए। ये अरविंद केजरीवाल के वादे हैं। वो आम आदमी नहीं, वो झूठा आदमी है, और सिर्फ झूठ के ऊपर ही उनकी पूरी पॉलिटिक्स टिकी हुई है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। ये दिल्ली की जनता एक बार तो काट की हांडी चढ़ गई, अब वो गर्म होकर के धीरे धीरे अग्नि पे स्वाहा हो रही है और वो खत्म हो जाएगी। तो सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं मैंने स्कूलों के लिए बहुत काम किया है, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, वो कहते हैं मनीष सिसोदिया जी कि आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सबको मैंने प्राइवेट बना दिया गया है, सबके अंदर अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम है, AC क्लासरूम है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए AC क्लासरूम बनाए हैं लेकिन बच्चों की फीस बढ़ा दी। मनीष सिसोदिया जी ने जैसे कहा कि उन्होंने दिल्ली में एजुकेशन का स्तर को काफी हाई लेवल तक पहुंचा दिया है, लेकिन ये सारा झूठ है। जब से उनकी सरकार बनी है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में जो भी इम्प्रूवमेंट करना था उसको उन्होंने नहीं किया, केवल 5 स्कूलों का किया है, जो एक्सेलेंस ऑफ स्कूल बोलते हैं, जिसको 5 जगहों पर एक्सेलेंस ऑफ स्कूल है, उसमें भी एडमिशन के आम नागरिकों को, बच्चे को एडमिशन हो नहीं पाता वहाँ पे। जो अपने गवर्नमेंट स्कूल थे उनको थोड़ा सा उन्होंने रंग रोशन करा के और बोलते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड क्लास का स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को जाओ दिन में देखने के लिए तो बच्चे कूड़े उठाते हुए मिलते हैं, पत्ते चूते हुए मिलते हैं। ये मनोज सिसोदिया का सरासर दावा झूठ है। क्या कहना है सर इस पे? देखो दो चीजें हैं, एक तो उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। आप अगर उन्होंने ये जो चीज किया है इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है। वहां पे लगभग जो 3.5 लाख रुपए का फर्नीचर का खर्चा था उसको उन्होंने लगभग 25 लाख रुपए तक लेकर के गए, जो 3.5 लाख रुपए का खर्च था एक जगह, एक स्कूल में 3.5 लाख रुपए में जो फर्नीचर बनता है
उस फर्नीचर को 25 लाख रुपए तक लेकर के गए। तो ये एक आगे जो गवर्नमेंट आएगी इस पे मेरी मांग है कि उस पे वो जांच बैठाए कि एक बहुत बड़ा घोटाला भी है और वो काम किन लोगों को दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो काम उन स्कूलों में जो स्कूल इन्होंने मॉडर्न स्कूल करके तैयार किया या बनाया उसमें वो काम भी किन लोगों को दिया गया, इस पे भी एक जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। सर एमसीडी के बारे में जानना चाहूंगा, आजकल एमसीडी के कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं कि दिल्ली सरकार से फंड नहीं आ रहा, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, ये क्या चल रहा है? क्योंकि एमसीडी कर्मचारी बेचारे सुबह से शाम तक झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं, निगम पार्षदों की सैलरी तक रुकी हुई है। उनका ये कहना है एमसीडी के चेयरमैन का कि दिल्ली सरकार सैलरी रिलीज नहीं कर रही है, कर्मचारियों को सैलरी कहां से दे। इसके पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी और एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया, जबकि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी और 15 साल तक लगभग एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी नहीं आया। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम केजरीवाल जी का किया हुआ है और केजरीवाल जी इसको हमेशा से आगे बढ़ाते आए हैं। उनको ये लगता है कि मैं लोगों के एमसीडी के कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बनाऊंगा तो वो मेरे पास आएंगे और मेरी पार्टी की सदस्यता लेंगे तब मैं उनको तनख्वाह दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है और जो उन्होंने बोला है कि एमसीडी के कर्मचारी पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते या कूड़ा नहीं उठाते हैं, मैं तो एमसीडी के लोगों से कर्मचारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये तो इंडिया का कैपिटल है, यहां इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बार केजरीवाल जी को ये सबक जरूर उनको सिखाना चाहिए और वो सबक सिखाने का समय आ गया है कि आप अपने मत का सही इस्तेमाल करिए, जिससे वो जो चीजें 5 साल तक सिर्फ धरने और प्रदर्शन की राजनीति किए हैं उससे उनको निकाल करके फेंक दीजिए और वही करेंगे। सर लेकिन यहाँ मैं आपको रोकूंगा, अभी मनीष सिसोदिया जी ने राजस्थान में बयान दिया था प्रेस वार्ता करते हुए कि मनोज तिवारी जी के लिए उन्होंने बोला था दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, केंद्र सरकार कभी भी दिल्ली सरकार के साथ बनाकर नहीं चल रही, कौन सा सौतेला व्यवहार? ये तो वही जाने ना, वो जैसा आदमी का माइंडसेट रहता है वही बोलेगा, वो जो चीजें कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ या दिल्ली की जनता के साथ वही उनका उनका माइंडसेट है, वही चीजें वो बोल रहे हैं केंद्र सरकार के बारे में। दूसरा एक चीज उन्होंने, अभी आपने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा बयान सुना होगा, उन्होंने बोला कि वहां से 50 रुपये में यूपी बिहार के लोग यहां आ जाते हैं दिल्ली के अंदर और जाकर के यहाँ हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हैं और 5 लाख रुपया हमारा लेकर के जाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को लानत देता हूं इस बात के लिए कि किसी के हेल्थ के ऊपर भी इतनी बड़ी राजनीति करना और इस तरह की बात बोलना, ये आप सोचिए किस घटिया मानसिकता की उनकी देन है, किस मानसिकता में वो जीते हैं। मैं तो पूर्वांचल के लोगों से ये अपील करूंगा कि आपको एकजुट होकर के अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना चाहिए और इस अरविंद केजरीवाल जी के नाम के नासूर को निकाल करके आप बाहर फेंकिए, क्योंकि ये आपके स्वाभिमान पे चोट कर रहा है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि इस व्यक्ति को निकाल करके यहां से बाहर फेंकिए कि आगे ये नासूर कैंसर न बन पाए हमारे। सर अंत में आपसे एक ही सवाल लूंगा कि अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, जिस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है, सभी विधायक अब रोज रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री दोबारा कौन बनेगा? मुझे तो नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अब अगली बार आने वाले हैं, क्योंकि उनके काम के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए और जो भी उन्होंने कर दिया अभी तक दिल्ली के लिए वो जनता सब जानती है, जनता समझती है और इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं प्रदूषण की तरह। सर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री तो बीजेपी से है, अब ये कौन होगा ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बट मुख्यमंत्री तो 100% बीजेपी से आएगा और यहाँ की दिल्ली की जनता ने अपना ये मन बना लिया है कि जिस प्रकार से केंद्र की गवर्नमेंट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से इस देश में या दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट चलाई है उसी प्रकार
दिल्ली गवर्नमेंट भी अच्छी चलेगी। हमारा और हमारी पार्टी का विश्वास है कि इस बार नया मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली को, जो दिल्ली का सपना है, दिल्ली के लोगों का सपना है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। ये हमारा और हमारी पार्टी का विश्वास है दिल्ली की जनता का।